सादर प्रणाम सभी को। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। बात करते हैं हम इतिहास की। आज के वीडियो में हम इतिहास की बात करेंगे। वर्तमान में हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, तो हम पढ़ रहे थे जो अलग अलग गवर्नर जनरल हैं उनके विषय में, और साथ ही पिछले वीडियो की बात कर लें अगर हम, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विलियम बेंटिक के विषय में। हमने ये पढ़ा था कि विलियम बेंटिक जो है उन्होंने किस तरीके से भारत के अंदर कुछ सुधार के कार्य किए, और हमने संक्षिप्त रूप में जाना था राजा राम मोहन राय के विषय में। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और जैसा कि हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम जानेंगे ऑकलैंड के विषय में, तो आज हम बात करते हैं ऑकलैंड की। जब विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद ऑकलैंड को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है, लेकिन ऑकलैंड से पहले मेटकॉफ कुछ समय तक यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आते हैं और काम करते हैं। तो ऑकलैंड का जो टाइम पीरियड था वो था 1837 से लेकर 42 का। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑकलैंड की, मेटकॉफ की बात नहीं करेंगे। देखिए, जब ऑकलैंड यहाँ पर भारत में आते हैं तो उस समय की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो वो था अफगान युद्ध, यानी कि प्रथम अफगान युद्ध जो था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो कि 1838 और 42 जिसका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ऑकलैंड है, जब यहाँ पर शासन करने आते हैं, गवर्नर जनरल बनने आते हैं, तो बहुत सारी परिस्थितियां यहाँ पर बदलती हैं। अफगान के संदर्भ में बात करें हम तो दोस्त जो मोहम्मद है उसका झुकाव होता है रूस की ओर, तो इन बिंदुओं के आधार पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अफगानिस्तान का भारत के लिए बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इसकी स्थिति क्या है, रूस और भारत के बीच में है। तो अंग्रेज शुरू से ही चाहते थे कि जो, अगर अंग्रेजों की हम बात करें, जो हिंदू कुश है, हिंदू कुश को ये भारत की प्राकृतिक सीमा मानते थे। ठीक है, और उनकी ये इच्छा थी कि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो अंग्रेजी सरकार को ही के ही अंतर्गत आ जाए, यानी कि अंग्रेजी सरकार के वर्चस्व को वो स्वीकार कर ले। अब ऑकलैंड के आने के बाद क्या होता है, जो अफगानिस्तान है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा शोचनीय हो जाती है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी हालांकि रफली इसका जिक्र कर चुके हैं। फिर यहां पर क्या होता है, 1809 की बात है, अफगानिस्तान का शासक है शाह शुजा का जो प्रतिद्वंदी है उसका नाम है दोस्त मोहम्मद, जिसका जिक्र अभी अभी हमने किया। दोस्त मोहम्मद उसका चिर या घुर प्रतिद्वंदी है। अब दोस्त मोहम्मद ने शाह शुजा को यहां पर मार दिया है। ठीक है, तो शाह शुजा मतलब ये इसे जैसे पराजित कर देता है, तो शाह शुजा क्या सोचता है कि अब अंग्रेजों की शरण ले लेनी चाहिए, तो ये यहां पर चला जाता है अंग्रेजों की शरण में। उसके बाद क्या होता है, 1822 में अफगानिस्तान का शासक बन जाता है ये दोस्त मोहम्मद, क्योंकि इसने शाह शुजा को वहां से भगा दिया है। अब शाह शुजा ने अंग्रेजों और रणजीत सिंह की सहायता से क्या काम किया, काबुल पर अपना अधिकार कर लिया है, लेकिन ऐसा करने में शाह शुजा को सफलता नहीं मिलती है, यानी कि इस संदर्भ में ये कह रह जाता है असफल हो जाता है। इसी बीच क्या होता है, जो रूस है, रूस अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करनी शुरू कर देता है। जैसा कि शुरू में ही कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति क्या है, रूस और भारत के बीच में है। ठीक है, तो रूस क्या काम करता है, अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर देता है, उसे अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करने लगता है। जब अंग्रेजों को ये बात पता चलती है तो अंग्रेज इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, और फिर यहां पर एक संघर्ष की शुरुआत होती है जो अंग्रेजों और अफगानों के बीच होता है। ठीक है, तो हम इसी युद्ध की बात कर रहे हैं। देखिए, कारण जान लें पहले इस युद्ध का, यानी कि प्रथम अफगान युद्ध की हम बात कर रहे हैं, तो पहले कारण जान लेते हैं। पहला कारण देखिए क्या था, जब रूस की सहायता से जो फारस का शाह है उसने हिरात पर अधिकार कर लिया, तो ऑकलैंड ने को एक तरीके से चिंता हुई। अब वो क्या होता है, बहुत ज्यादा जब उसे लगता है कि रूस का इंटरसेप्शन अफगानिस्तान की ओर होने लगा है, ये इस बात से चिंतित हो जाता है। अब इसका ध्यान जाता है अफगानिस्तान की ओर, क्योंकि रूस किसी भी टाइम पर आक्रमण कर सकता था, और अगर रूस आक्रमण करता तो इससे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था।
तो उसने क्या किया, दोस्त मोहम्मद के सामने एक संधि का प्रस्ताव रखा। दोस्त मोहम्मद के सामने जो संधि रखी थी, क्योंकि दोस्त मोहम्मद तो पहले से ही चाहता था कि अंग्रेजों के साथ क्या कर ली जाए, मित्रता कर ली जाए, क्योंकि शाह शुजा के साथ मिलकर ये कभी भी उसके लिए घातक सिद्ध हो सकते थे। तो लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब जैसे दोस्त मोहम्मद भी अंग्रेजों से संधि करना चाहता था, यानी कि मित्र बनाना चाहता था, लेकिन यहां एक शर्त रखी जाती है कि उसे पेशावर दे दिया जाए और इसलिए वो यहां पर संधि कर देगा। तो यहां पर पेशावर की जो एक शर्त रखी जाती है वो इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। लेकिन ऑकलैंड ने क्या काम किया, ऑकलैंड ने कहा कि पेशावर उसको नहीं दिया जा सकता, और उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पेशावर क्या है, रणजीत सिंह के अधिकार में है, और रणजीत सिंह के अधिकार से पेशावर आपको नहीं दिया जा सकता। अब क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि अंग्रेजों की ओर से ये दोस्त मोहम्मद की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं होती है, तो ये यहां से अपना ध्यान आकृष्ट करता है अब रूस की ओर। ठीक, अब ये क्या काम करता है, रूस से संबंध स्थापित करना चाहता है, और रूस तो पहले ही चाहता था कि अफगानिस्तान के साथ मित्रपूर्वक व्यवहार किया जाए, यानी कि उसे अपना मित्र बना लिया जाए। अब क्या होता है, रूस ने अफगानिस्तान के लिए एक संधि कर ली है और एक रूसी राजदूत यहां काबुल में रख दिया गया है। अब जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है कि एक रूसी राजदूत काबुल में रह रहा है, तो इस बात से बहुत ही ज्यादा उन्हें चिंता होनी शुरू हो जाती है। बात करें अब दूसरे कारण की, जो ये युद्ध हुआ उसका दूसरा रीजन ये था कि रूस की अफगानिस्तान की ओर लगातार एक क्या प्रगति होती चले जा रही है, यानी कि लगातार वो अपनी नीतियों में बढ़ोतरी करता चला जा रहा है अफगानिस्तान के फेवर में। अब वो लगातार दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। अब अंग्रेजों को क्या लगता है कि अब जाहिर सी बात है रूस का वर्चस्व हो जाएगा तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई होगी, अब अंग्रेजों के साथ लड़ाई होगी तो अंग्रेजों को ये भी भय था कि रूस उनसे ज्यादा शक्तिशाली है और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। तो अंग्रेजों को डरा के उन्हें पूर्वी समस्या से वो रूस ये चाहता था कि अलग कर दिया जाए और ये वाला क्षेत्र उसी के संपर्क में रह जाए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यहां पर थी वो ये थी, जैसे ही ऑकलैंड को ये पता चलता है कि रूस और दोस्त मोहम्मद के बीच में एक संधि हो गई है, तो यह ऑकलैंड ने क्या काम किया, 1836 में अफगानिस्तान में एक व्यापारिक मिशन भेजा। इस व्यापारिक मिशन का एक अध्यक्ष भी उसने नियुक्त किया और अध्यक्ष बनाया था बर्न्स को। ठीक, ये हालांकि जो व्यापारिक मिशन बना के इसने जो भेजा था ये केवल एक नाम मात्र का मिशन था। अगर एक्चुअल इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका एक्चुअल उद्देश्य ये था एक तरीके से सेंधमारी करना, और सेंधमारी करना किस तरीके की, कि वहां पर जाया जाए और जो अफगान सैनिक है उनकी दशा के विषय में, यानी कि उनकी स्थिति के विषय में वहां से जानकारी जुटा ली जाए, यानी कि अफगानियों के पास कैसी सैन्य शक्ति है इस विषय में जानकारी जुटाना इसका मेन उद्देश्य था। ये तो सिर्फ एक आड़ थी कि व्यापारिक मिशन के नाम से जाएंगे। अब दोस्त मोहम्मद जो है इस मिशन की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, और ये जब इनके, हालांकि दोस्त मोहम्मद की गलती थी क्योंकि जब इनके अंग्रेजों के साथ संबंध दोस्त मोहम्मद के सही नहीं थे और ये व्यापारिक मिशन की ओर एक बहाना लेकर ये अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, तो बर्न्स ने क्या काम किया, बर्न्स अपने मिशन के साथ काबुल से वापस चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि दोस्त मोहम्मद ने यह थोड़ा बुद्धिमत्ता से काम लिया और उसके इस मिशन की ओर कोई विशेष रुचि उसने नहीं दिखाई। तो फाइनली क्या होता है, 1838 की बात है, बर्न्स को अपने मिशन के साथ काबुल से वापस आ जाना पड़ता है। अब अगले कारण की बात करें तो अगला कारण था यहां पर त्रिदलीय संधि। देखिए, दोस्त मोहम्मद के जो अमीर जो है, दोस्त मोहम्मद के इस जो भी व्यवहार किया गया था, मतलब जो उपेक्षा की गई थी मिशन की, ऑकलैंड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है कि ये दोस्त मोहम्मद ने तो मेरा अपमान कर दिया। अब ये क्या काम करता है, जो रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह से सहायता मांगता है और ये प्रयास करता है कि रणजीत सिंह की सहायता लेकर इसे, दोस्त मोहम्मद को अफगान की गद्दी से हटा दिया जाए, और दोस्त मोहम्मद को हटा देने के बाद वहां पर शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया जाए। अब इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इसने क्या काम किया, बर्न्स को और मैकनाटक को यहां संधि करने के लिए भेज दिया इसके, रणजीत सिंह के पास। ठीक है,
जब ये रणजीत सिंह के पास भेजा तो यहाँ पर अंग्रेजों में और सिखों में और शाह शुजा में एक संधि होती है और इसी संधि को कहा जाता है त्रिदलीय संधि, क्योंकि इधर शाह शुजा हो गया, इधर ही अंग्रेज हो गए और इधर ही रणजीत सिंह, तो ये तीनों लोग मिलकर एक संधि करते हैं। संधि की शर्तें क्या होती हैं? पहली शर्त जान लें अगर संधि की, तो पहली तो चीज यही है कि शाह शुजा को जो काबुल है उसका अमीर बनाया जाएगा। इधर शाह शुजा ने क्या वचन दिया है? शाह शुजा ने ये कहा है कि अफगानिस्तान पर अगर आधिपत्य करने के बाद, यानी कि जो शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया जाएगा, तो वो हमेशा के लिए सिखों के साथ और अंग्रेजों के साथ अपने संबंध मित्रपूर्ण रखेगा। अब सिखों और अंग्रेजों की इच्छा के अगेंस्ट वो किसी भी विदेशी शक्ति से ना तो किसी प्रकार का संबंध स्थापित करेगा, तो ये भी इसने यहां पर वचन दे दिया। और एक और यहां पर इसने कंडीशन रखी कि वो एक अंग्रेजी राजदूत अपने दरबार में रखेगा। हिरात की भी स्वतंत्रता को इसने स्वीकार कर लिया है और जो सिखों के द्वारा जीते हुए प्रदेश थे उन प्रदेशों पर उनका अधिकार रहेगा, ये भी इसने स्वीकार कर लिया है। अगर हम एक तरफा बात करें तो जितनी शर्तें थी वो सारी की सारी शर्तें मानने योग्य थी शाह शुजा के, क्योंकि उसे सिर्फ एक लालच था कि उसे गद्दी मिल जाएगी। उसके अलावा उसने ये सारी चीजें यहां पर मतलब मानने के लिए वो तैयार हो गया। और बल्कि एक चीज और, ये 20 लाख रुपया एक क्षतिपूर्ति के रूप में भी देता है यहाँ पर रणजीत सिंह को, जो शिकारपुर में क्षतिपूर्ति हुई थी उसके संदर्भ में। तो अगर यहाँ इतनी बात की जाए, जैसे ये संधि लगभग हुई थी जून में, ठीक है, अब जब ये संधि हो गई है, अंग्रेजों को लगा कि हम तीनों एक हो गए हैं और मिलकर हम सामना कर सकते हैं, तो यहां पर अफगानिस्तान के विरुद्ध 1838 में लगभग अक्टूबर की बात है युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। अब उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो घटनाएं घटित होती हैं उनके अनुसार, यानी कि जैसे ही अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि अब तो युद्ध होगा ही होगा, ठीक है, अब घोषणा के अनुसार क्या हुआ, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर सिंध प्रदेश से होकर आक्रमण किया, यानी कि रास्ता उन्होंने चुना था सिंध प्रदेश का, उन्होंने आक्रमण किया सिंध प्रदेश से। सिंध प्रदेश से होकर जब इन्होंने आक्रमण किया यहां पर, तो उसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों की जो सेना है वो अंग्रेजों की सेना ही बहुत जल्दी से आगे, अंग्रेज सेना जल्दी से आगे बढ़ती गई और भक्कर एक क्षेत्र है, उस भक्कर क्षेत्र पर यानी भक्कर के प्रदेश पर इन्होंने अपना अधिकार भी कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, ये बोलन दर्रा इन लोगों ने पार किया। बोलन दर्रा पार करने के बाद ये लोग पहुंचे क्वेटा। क्वेटा पहुंचते हैं 1839 में, यानी कि इन्हें इतना टाइम लग गया वहां तक जाने जाने में। क्वेटा पहुंचने के बाद इन्होंने यहां पर 1839 में कंधार पर भी अधिकार कर लिया है और गजनी पर भी अधिकार हो गया है अंग्रेजों का। उधर दोस्त मोहम्मद डर के मारे भाग गया है काबुल छोड़कर, क्योंकि अब लगा कि लगातार अंग्रेज बढ़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक क्षेत्र को ही अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं, तो यहां पर दोस्त मोहम्मद भयभीत हो जाता है और दोस्त मोहम्मद वहां से भाग जाता है। अब क्या होता है, जब ये शाह शुजा के बिना ही किसी स्वागत का कोई अवसर होता ही नहीं है यहां पर, तो शाह शुजा का कोई जब यहां पर क्योंकि घोषित शासक तो बनने नहीं जा रहा था, शाह शुजा अधिकार करने जा रहा था और उसे दोस्त मोहम्मद को हटाने जा रहा था, तो शाह शुजा का यहां कोई स्वागत नहीं करता है, तो बिना किसी स्वागत के ही ये काबुल में दाखिल हो जाता है। जब यह काबुल में दाखिल हो जाता है तो मतलब एक इतिहासकार है, उनकी कुछ एक लाइन ध्यान आ रही है, जब शाह शुजा काबुल के अंदर प्रवेश करता है तो कुछ ऐसा कथन है कि राजधानी में उसका दाखिल होना, यानी कि शाह शुजा का दाखिल होना मृत शरीर के जुलूस के तरीके से दिखाई दे रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मरी हुई आत्मा काबुल के भीतर प्रवेश कर रही है और उसके जो मृत शरीर के साथ जो जुलूस होता है कुछ इस तरीके का दृश्य वहां पर दिखाई दे रहा था। अब 1840 में क्या होता है, जो दोस्त मोहम्मद है वो आत्मसमर्पण कर देता है यहां पर मैकनाटक के अगेंस्ट, आत्मसमर्पण कर दिया उसके सामने, अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया, उसे बंदी बना लिया गया, उसकी जगह शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया गया और इसे दोस्त मोहम्मद को जेल में डाल दिया गया। अब बात करें यहां पर 1841 से लेकर 42 तक की कुछ घटनाओं की भी अगर हम बात कर लेते हैं, यहां एक दुर्घटना होती है। देखिए शाह शुजा जो है एक लोकप्रिय शासक कभी नहीं बन पाया,
जनता ने उसे कभी भी पसंद नहीं किया। अब यहाँ पर क्या होता है, अपनी सुरक्षा उसे चाहिए, और अंग्रेज क्या करते थे, जिसे गद्दी पर बैठाते थे तो सुरक्षात्मक तरीके से अपनी सेना को भी वहां पर रख लेते थे। तो यहाँ पर भी इसने लगभग 10,000 सैनिक रखना स्वीकार किया, यानी कि जो ऑकलैंड के जनरल कोल्टन है उसकी संरक्षकता में या उसके संरक्षण में 10,000 सैनिक यहाँ पर रख दिए जाते हैं और वो वहां पर भारत वापस लौट आता है। धीरे धीरे क्या होता है, जो दोस्त मोहम्मद का बेटा है अकबर खां, ये अकबर खां के नेतृत्व में अफगानिस्तान में एक विद्रोह हो जाता है। ठीक है, इस विद्रोह में लगभग 100 अफगान विद्रोहियों ने, जो अंग्रेजी राजदूत था बर्न्स के जो घर है, भवन है या जो भी उसका आवास है, उस पर आक्रमण कर दिया है और जो बर्न्स है उसको मार डाला है। ठीक है, उधर जनरल नाटन की बात करें, मैकनाटन की अगर हम बात करें, तो जो क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश तो था नहीं, तो मैकनाटन जो था यातायात के साधनों की कमी की वजह से काबुल से आगे बढ़ नहीं पाया। उधर जनरल सेल डर के मारे गंडक से जलालाबाद की ओर भाग जाता है। ठीक है, इसने यहां पर भाग गया है गंडक से जलालाबाद की ओर, कौन, जनरल सेल। अब क्या होता है, 1841 की बात है, ये अफगान सेनाओं ने अंग्रेजों को बम्स एक स्थान है, उस बम्स स्थान पर घेर लिया है और बुरे तरीके से उन्हें पराजित कर दिया है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो मैकनाटन को अकबर के साथ एक बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ती है यहां तक। ठीक है, अब अकबर जिस उद्देश्य की वजह से यहां पर विद्रोह करा था उसने, या उसके साथ लोगों ने मिलकर विद्रोह करा था, वो यहां पर सफल हो जाता है। और जो ये संधि मैकनाटन को करने के लिए वो मजबूर करता है, बहुत ही शर्मनाक संधि कही गई है ये अंग्रेजों के संदर्भ में। पहला तो क्या है, ये कहा गया अंग्रेजी सेना से कि वो अफगानिस्तान खाली कर देगी। फिर दूसरी शर्त ये थी, दोस्त मोहम्मद को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तीसरी शर्त ये थी कि शाह शुजा को पेंशन दे दी जाएगी, उसे अफगानिस्तान में रहने या वहां से वो चला जाए, इस चीज की छूट होगी शाह शुजा को अपने आप, यानी कि जैसी उसकी इच्छा करे वो वैसा करेगा। अब क्या हुआ, चौथी जो एक शर्त यहां पर रखी गई थी, अकबर खान को अपने संरक्षण में अंग्रेजी सेना को सीमा पार कराना होगा। अब अंग्रेजों ने हालांकि इस संधि का पालन नहीं किया और 1842 में अंग्रेजी सेना भारत वापस आ रही थी, तो अफगानों ने इस पर आक्रमण कर दिया, 16,000 सैनिकों का इन्होंने क्या कर दिया, वध कर दिया। अब क्या होता है, एक अंग्रेज ही इस दुखद घटना की सूचना देने के लिए भारत लौटकर पहुंच पाता है, यानी कि जितने लोग हैं लगभग सभी लोगों को मार दिया जाता है, किसी तरीके से एक व्यक्ति उसमें से बच पाता है और वही ये शोकनाक खबर लेकर भारत में कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको बताता है। जब ये बात ऑकलैंड को पता चलती है तो ऑकलैंड की बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है, ये उसकी बहुत बड़ी बदनामी थी ये जो दुर्घटना हुई। अब इंग्लैंड सरकार इससे नाराज हो गई है, फिर 1842 में उसे वापस बुला लेती है और इसकी जगह एलिन बरा को गवर्नर जनरल बनाकर भेज देती है। देखिए, ये जो युद्ध किया हुआ था, ये युद्ध में पूरा अगर हम बात करें 37 से लेकर 42 तक का जो टाइम पीरियड रहा, लगभग अफगान युद्ध से संबंधित ही रहा। और यही जो रीजन था जिसकी वजह से ऑकलैंड की कहीं ना कहीं भर्त्सना हुई है, कहीं ना कहीं उसकी इंसल्ट हुई है। भर्त्सना इसलिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी और इस काम में सफल रहा था अकबर खान। बात करते हैं जो युद्ध हुआ था उसके क्या परिणाम रहे थे। देखिए, जब भी युद्ध होता है हाँ, बहुत सारी जनधन की हानि होती है। हम इतने युद्ध पढ़ते आ रहे हैं जब से हमने इतिहास शुरू किया है, और स्पेशली अगर हम बात करें जब से हमने मुगल काल शुरू किया है तब से अगर हम रिकॉल करें तो युद्ध जब होता है तो उसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य आता है, और युद्ध में सबसे ज्यादा क्या होता है, जनधन की सबसे ज्यादा हानि होती है। ये जो युद्ध हुआ था इसलिए अंग्रेजों की तरफ से कि उन्हें लाभ होगा और अफगानिस्तान पर उनका अधिकार हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई लाभ नहीं होता। बल्कि विवरण ये बताते हैं कि इसमें 20,000 सैनिक मारे जाते हैं अंग्रेजों के और लगभग उनकी 50 लाख का खर्चा आता है। दूसरी बात करें यहां पर,
जो अंग्रेजों के मुंह की खाने जैसी बात हम करें तो जो दोस्त मोहम्मद है, दोस्त मोहम्मद को ये लोग हटा देते हैं और शाह शुजा को गद्दी पर बैठा भी देते हैं। लेकिन दोबारा क्या होता है, शाह शुजा सॉरी दोस्त मोहम्मद जो है यहाँ पर गद्दी पर आसीन हो जाता है। अब ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो दोस्त मोहम्मद होता है वो वहां की जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। शाह शुजा ने जब शासन किया, जनता ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो जनता में कभी भी एक लोकप्रिय शासक की तरह नहीं वहां पर बन पाया। इसीलिए वहां की जनता ने दोस्त मोहम्मद को छुड़ाने के लिए, उसे स्वतंत्र कराने के लिए यहां पर विद्रोह किया था। तीसरी बात करें, जो काबुल है और गजनी है, इन नगरों का बहुत ज्यादा विनाश होता है क्योंकि इन नगरों को अंग्रेजों ने बहुत ही बुरे तरीके से लूटा और बहुत ही सुंदर सुंदर इमारतों को उन्होंने यहां पर तोड़ दिया, यानी कि उन्हें धूल में मिला दिया, तोड़ दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, विनाश कर दिया। फिर दूसरी, अगर हम अगले बिंदु पर चर्चा करें तो यहां पर है तटस्थता की नीति का अनुसरण किया गया। इस युद्ध से अंग्रेजों को एक सीख तो मिली ही मिली कि उन्होंने अफगानिस्तान के संबंध में जो तटस्थता की नीति का अनुसरण करने का निश्चय बाद में किया, वो निश्चय उन्हें पहले कर लेना चाहिए था। यानी कि इस युद्ध में अंग्रेजों को ऐसा सबक मिल गया था कि उन्होंने अफगानिस्तान के संबंध में तटस्थता की नीति को अनुसरण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगली बात क्या करें, अगर जो हम कहें कि अंग्रेज इस युद्ध में असफल रहे हैं, अंग्रेज इस युद्ध में असफल इसलिए रहे हैं क्योंकि जो दोस्त मोहम्मद है, दोस्त मोहम्मद के विरुद्ध षड्यंत्र करने से पहले शाह शुजा को ये काम करना था कि वो जनता के बीच में लोकप्रिय हो जाए। अब षड्यंत्र रचकर उसकी जगह शाह शुजा को तो यहां पर बना अमीर बना दिया, यानी कि गद्दी उसे दे दी। लेकिन शाह शुजा को हमेशा जो अफगानी थे, यानी कि अफगान जनता थी, वो उसे एक घृणा की दृष्टि से ही देखती थी, उसे कभी भी अपना शासक या अमीर स्वीकार नहीं करती थी और उसे गद्दी से उतार कर ही ये कहे कि जनता ने जो है दम लिया कि उसे जब गद्दी से उतार दिया। फिर शाह शुजा के ने को शासक बनाने के पीछे सिर्फ एक ही लोगों का हाथ था, वो भी थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों को भी जो अफगानी लोग हैं उनकी किसी भी तरीके से सहानुभूति नहीं मिल पाई है, इसलिए यहां पर दोस्त मोहम्मद ही उनकी असफलता का सबसे प्रमुख कारण रहा। दूसरी बात करें पहाड़ी प्रदेश, वो पहाड़ी प्रदेश है और अंग्रेजों को पहाड़ी प्रदेश में किस तरीके से युद्ध करना चाहिए इसका कोई विशेष ज्ञान नहीं है, तो उन्हें बहुत ज्यादा यहां पर कठिनाई होती है। तीसरी अगर हम बात करें, पंजाब से इन्हें रास्ता नहीं दिया गया, रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़ग सिंह यहां पर उत्तराधिकारी बनते हैं और खड़ग सिंह ने पंजाब से रास्ता कर दिया है और इस वजह से भी अंग्रेजों को अफगानिस्तान से संबंध साधने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। फिर क्या होता है, ऑकलैंड खुद एक अयोग्य व्यक्ति है, नहीं तो इस घटना को वो यहां पर कंट्रोल कर सकता था। देखिए, उसने कभी प्रयास नहीं किया ऑकलैंड ने कि वो परिस्थितियों को सही तरीके से समझे। अगर वो परिस्थितियों का सही तरीके से समझ जाता तो परिस्थितियों का सही तरीके से समाधान भी निकाल सकता था। अगर समझ जाता तो वो क्या काम करता, उसे पहले ये काम करना चाहिए था कि दोस्त मोहम्मद के साथ उसे दोस्ती करनी चाहिए थी, यानी कि मित्रवत व्यवहार करना चाहिए था। लेकिन ऑकलैंड ने क्या किया, इस बात की उपेक्षा की और उसने शाह शुजा को अपने फेवर में करने की कोशिश की। अब क्या होता है, रणजीत सिंह को अगर नाराज किए बिना ऑकलैंड पेशावर को दोस्त मोहम्मद को दिलाने में सफल हो जाता तो दोस्त मोहम्मद अंग्रेजों का मित्र बन जाता, और अगर दोस्त मोहम्मद अंग्रेजों का मित्र बन जाता तो रूस की ओर उसका ध्यान जाता भी नहीं। अगर यहां मित्रता, रूस की ओर इसका ध्यान तभी तो गया जब अंग्रेजों से इसकी बात नहीं बनी, इसने पेशावर वगैरह की डिमांड की, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में है। अब दोस्त मोहम्मद को ये लगा कि उसे रूस के साथ संबंध बना लेने चाहिए, अगर यहां पर इसे मनमाफिक जो क्षेत्र मिल जाता तो ये रूस की ओर जाता ही नहीं और जो ये युद्ध हुआ ये युद्ध नहीं होता। तो ऑकलैंड इस चीज को समझने में पूरे तरीके से फेल रहा, उसने इस चीज को लाइटली लिया कि इसकी डिमांड नहीं पूरी करते हैं तो क्या परिणाम हो सकते हैं, उसने उन प्लस माइनस पर किसी भी तरीके की चर्चा नहीं की। फिर क्या है कि
ये एक तरीके का अयोग्य सेनापति है, दूरदर्शिता का अभाव है, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कराई है। तो बिंदु भी बनाया जा सकता है इसको कि दूरदर्शिता का उसमें अभाव है। देखिए, जिन सेनापतियों को यहाँ पर उसने अपनी सेना की कमान सौंपी यानी कि नेतृत्व दिया, उनमें ना तो एकता है और ना ही किसी भी तरीके के सहयोग की भावना है, जिस वजह से यहाँ पर ऑकलैंड को हार देखनी पड़ती है। फिर अंग्रेजी सेना अफगानिस्तान में रहती है, जैसे अभी हमने कहा कि फिर उसको मार दिया जाता है और एक ही अंग्रेज सैनिक जाकर भारत में सूचना दे पाता है। उसने क्या काम किया, अफगान लोग अपने देश के अंदर अंग्रेजी सेना को रखना एक अपमान समझते थे, उन्हें लगता था ये हमारे स्वाभिमान के विरुद्ध है। तो अंग्रेजी सेना को खाने पीने का अभाव हो गया, यानी कि जो जरूरी चीजें थी वो नहीं मिलती थी, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। अगर इन सब रीजंस को हम कंक्लूड कर लें तो हमें पता चल जाता है कि अंग्रेजों को प्रथम अफगान युद्ध में क्यों असफलता मिली थी। अब अगर ऑकलैंड की मतलब अगर आप रियली या एक्चुअली उसे समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो भी ऑकलैंड ने ये किया, अगर उसे समराइज करने को कहा जाए या वन लाइन में कहा जाए तो पूरे तरीके से अनुचित था, क्योंकि इस युद्ध में एक तो बहुत बड़ी भूल हुई है और एक अपराध हुआ है। युद्ध में अंग्रेजों को कोई लाभ भी नहीं हुआ और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर सैनिक भी मारे जाते हैं और 50,00,000 जो अभी हमने व्यय पढ़ा, लगभग इतना व्यय भी हो जाता है। ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद की मित्रता की भी उपेक्षा करी है, जिस वजह से उसे ये यहाँ पर परिणाम भुगतने पड़े। कुपरिणाम कहें या दुष्परिणाम कहें तो ज्यादा सही होगा। अब देख लीजिए कुछ बातें हैं जो यहाँ पर इसने शासन सुधार संबंधी की थी ऑकलैंड की, हम वो भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला तो क्या है, अंग्रेजों और भारतीयों में इसने क्या किया, मतभेद मिटाने के लिए ब्लैक एक्ट पारित किया था, ब्लैक एक्ट, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, जो सॉरी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टरी पढ़ने की यहां पर व्यवस्था की गई थी, यानी कि अब जो हिंदुस्तानी छात्र थे वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते थे। तीसरा इसने यहाँ काम किया था, तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी और स्कूल्स के संदर्भ में बात कर लें, जो प्राइमरी स्कूल होते थे प्राइमरी स्कूल में प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, यानी कि वहां पर प्रांतीय भाषा के हिसाब से शिक्षा दी जा सकती है। फिर सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया गया था, इसके द्वारा सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई और दुर्गा पूजा पर जो प्रतिबंध था वो प्रतिबंध हटा लिया गया, यानी कि दुर्गा पूजा पर अब किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए इसके द्वारा। कंक्लूड कर ले मूल्यांकन की दृष्टि से, तो अगर देखिए कोई भी व्यक्ति पूरे तरीके से ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है, बहुत सारे गुण भी कहे जाते हैं। एक तो क्या है, इसमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना थी, यानी कि इसमें हालांकि अगर आंतरिक प्रशासन के विषय में अगर हम इसकी बात करें तो कोई विशेष ध्यान इसने दिया नहीं, सामान्य नीति का ही इसने प्रयोग किया और ये बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद किसी निर्णय पर पहुंच पाता था, इसी वजह से ये किसी भी तरीके का विशेष गौरव यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाया। क्योंकि जैसे हमने विलियम बेंटिक के विषय में पढ़ा, जब सती प्रथा का जब उसने प्रतिबंध लगाने का यानी कि उसे गैर कानूनी बताया था तो लोगों ने उसे बहुत डराया कि ऐसा हो जाएगा, भविष्यवाणियां की यदि ये बंद हो गया तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन विलियम बेंटिक ने क्या काम किया, बड़ी निडरता के साथ उस चीज पर अड़ा रहा कि उसका जो भी जिम्मेदारी मतलब कोई भी परिणाम आता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो ऐसा जो दृढ़ता थी वो इसके व्यवहार में नहीं थी, तो कठोर प्रवृत्तियों वाला, कम बोलने वाला है, शर्मीला है, बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है और किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहता, जो अपने डेली रूटीन के वर्क होते हैं उनमें बहुत ज्यादा खुश रहता है और अपने स्वभाव और लंबे अनुभव के कारण ही ये क्या होता है, शांत रहता है और अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करने का ये प्रयास करता है। तो अच्छे गुण भी कहे, इन शॉर्ट
और बुरे, बुरा तो था ही, जैसे विवेक का अभाव है, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति नहीं है, अच्छा सेनापति नहीं है, आप जनरल, गवर्नर जनरल के पद पर वो व्यक्ति बैठा है, तो उसमें दूरदर्शिता का अभाव है, तो ये इसकी कहीं ना कहीं अयोग्यता थी। लेकिन वो मित भाषी है, खुश रहता है, कम बोलता है, बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, ये उसके कुछ अच्छे गुण हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, अगले वीडियो में हम जानेंगे लॉर्ड हार्डिंग्स के विषय में और एलेन बरा के विषय में, जो कि ऑकलैंड के बाद यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आता है 1842 में और सिर्फ 1844 तक ही रहता है। तो हम जानेंगे एलेन बरा के विषय में, क्योंकि जो इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है, जो ऑकलैंड के समय युद्ध शुरू हुआ था, वो एलेन बरा के टाइम पीरियड पर वो अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसी के टाइम में सिंध विजय भी है और ग्वालियर के साथ युद्ध भी है। साथ ही हम पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग्स के विषय में, जब प्रथम सिख युद्ध होता है उस संबंध में जो परिणाम आते हैं उनके विषय में, और लाहौर की संधि के विषय में, इन बिंदुओं को अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण पाठ चल रहा है, अभी हमें पढ़ना है एलेन बरा और हार्डिंग्स, और फिर हम पढ़ेंगे डलहौजी। उसके बाद हम थोड़े समय का ब्रेक लेंगे, हम बीच में नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, और इतिहास बहुत दिनों से हम लगातार पढ़ रहे हैं, बल्कि हमें महीनों ही हो गए इतिहास को लगातार पढ़ते पढ़ते, तो एक ब्रेक देंगे, और उससे कुछ दिनों के ब्रेक के बाद, बहुत लंबा ब्रेक नहीं होगा, कुछ दिनों के ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। हालांकि अब जो इतिहास है वो बदलने वाला है, जो सरकार ने निर्णय ये किया है कि नेक्स्ट ईयर से एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तरह पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पाइका विद्रोह उससे पूर्व हुआ था और 1857 का जो संग्राम हुआ था वो बाद का है, पाइका विद्रोह हुआ था, तो अब इतिहास में कुछ परिवर्तन होने वाला है। जैसा भी होगा हम आगे उसमें एडिशन करते चले जाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लगातार साथ बने रहिएगा। आप सभी का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।